बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन योर स्टडीज। हियर इज योर टीचर सबा अख्तर, मास्टर ट्रेनर एंड लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस लेक्चर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर नंबर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूड, and the topic which we are going to study today is diagnostic test for nervous systems ya nervous disorders, and beta this is the last topic of this chapter taken from class second year. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture you will be able to describe diagnostic test for a nervous system, nervous disorders, learn about electroencephalography EEG, computed tomography scan, CT scan and magnetic resonance imaging MRI. So let's begin our topic. We will study all diagnostic tests for nervous disorders one by one. These days a number of diagnostic tests have been developed for nervous disorders. The principle of EEG, CT scan and MRI are discussed here. बेटा आजकल काफ़ी ज़्यादा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हो चुके हैं, जिससे हमें नर्वस डिसऑर्डर्स का पता चल जाता है कि कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट फंक्शन नहीं कर पा रहा और क्या नर्वस डिसऑर्डर है, उन डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू हमें पता चल जाता है। लेकिन हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन एंड एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। न्यूरॉन्स विद इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटिन्यूअसली जनरेट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। बेटा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो न्यूरॉन मौजूद होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि वो स्टिमुलस को रेस्पॉन्स कर रहे होते हैं या कैच कर रहे होते हैं। This activity can be recorded by electrodes attached to precise location on the scalp, producing electroencephalogram, and this technique is called electroencephalography EEG. बेटा पेशेंट जो होता है या जो इंसान है जो ईईजी टेस्ट करवाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा रहा है, तो उसमें उस इंसान के सर पे, स्कैल्प पे डिफरेंट प्रिसाइज लोकेशंस पर इलेक्ट्रोड्स को अटैच कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोड्स को फिट कर दिया जाता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम आल्सो। ठीक है, इस फिगर में भी आपको नजर आ रहा है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को स्कैल्प के डिफरेंट रीजन्स पे फिक्स कर दिया जाता है या अटैच कर दिया जाता है, और फिर एक ग्राफ सा एक बन जाता है, एक इमेज सी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। और इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहते हैं, ईईजी कहते हैं। एंड ईईजी पैटर्न इज कॉमनली कॉल्ड ब्रेन वेव्स, और बेटा इस पैटर्न को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, ब्रेन वेव्स भी कहते हैं। इससे फिर हमें जो ब्रेन की वेव्स हैं वो मिल जाती हैं, जैसे ये कंप्यूटर भी आपको नजर आ रहा है, तो पूरा एक इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम या रीडिंग जो है या ब्रेन वेव्स जो है वो बन जाएंगी यहाँ पे, इसका पूरा एक ग्राफ बन जाएगा, फिर उसको चेक कर लिया जाता है कि ब्रेन में क्या डिसऑर्डर है। ठीक है, नाउ सेकेंड टेक्निक और द सेकेंड डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन और सिटी स्कैन। कंप्यूटराइज टोमोग्राफी इज मोर कॉमनली नोन एज बाय इट्स एब्रीवेशन और एब्रीवेटेड नेम विच इज सिटी स्कैन। बेटा कंप्यूटर टोमोग्राफी जो आपके पास है इसको सिटी स्कैन से ज्यादा जाना जाता है, इसका एब्रीवेटेड जो नेम है वो है सिटी स्कैन। इट इज एन एक्सरे प्रोसीजर दैट कंबाइंस मैनी एक्सरे इमेजेस विद द एड ऑफ अ कंप्यूटर टू जनरेट क्रॉस सेक्शनल व्यू एंड इफ नीडेड थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। बेटा सिटी स्कैन में क्या किया जाता है, एक्सरे, ये एक एक्सरे प्रोसीजर है जिसमें बहुत सारी एक्सरे इमेजेस जो हैं वो ली जाती हैं कंप्यूटर की हेल्प से, और किसी भी कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल उसका व्यू लिया जाता है या थ्री डायमेंशनल इमेज भी ली जाती है, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी थ्री डायमेंशनल इमेज भी ली जाती है, ताकि पता चल सके कि ब्रेन या बॉडी के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या डिसऑर्डर्स है, कौन सा ऑर्गन या कौन सी बॉडी का पार्ट जो है वो सही तरीके से फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इसमें एक्सरे इमेजेस ली जाती हैं क्योंकि ये एक एक्सरे प्रोसीजर है, इसमें
एक्स रेज यूज होती हैं, और कंप्यूटर की हेल्प से वो क्रॉस सेक्शनल एक व्यू आ जाता है, एक पिक्चर आ जाती है, या थ्री डायमेंशनल एक इमेज आ जाती है इंटरनल ऑर्गन्स की, के बॉडी के अंदर वाली जो स्ट्रक्चर्स थी कहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, या कौन सा जो ऑर्गन या इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही. A CT scan is used to define normal and abnormal structures in the body and or assist in procedures by helping to accurate guide the placement of instrument or treatments. बेटा सिटी स्कैन में क्या होता है, पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर कौन सी नॉर्मल और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कोई मसला हो गया, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो उन सब स्ट्रक्चर्स को फौरन से उसकी एक इमेज बन जाती है या थ्री डायमेंशनल इमेज बन जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, ठीक है, कहाँ पर मसला हो गया था. और इसमें क्या होता है, ये इस प्रोसीजर में भी ये असिस्ट कर रहा होता है, ये हेल्प कर रहा होता है ताकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की परफेक्टली वो प्लेसमेंट की जा सके या ट्रीटमेंट्स की जा सके, है ना, पता किया जाता है कि कहाँ पर मसला था. अब देखिए ये पेशेंट को लेटाया हुआ है और यहाँ पर ये जो एक्सरे है ये रेज जो है वो रोटेट कर रही है, इसके अराउंड रोटेट कर रही है, तो फाइनली बेटा कंप्यूटर के ऊपर पूरी एक रीडिंग आ जाती है और इसके इंटरनल जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसकी भी एक थ्री डायमेंशनल इमेज भी दी जा सकती है. और उससे फिर क्या होता है कि एक ये जब रोटेट करती हैं बॉडी के इर्द गिर्द जो एक्सरेज हैं तो उसके कंप्यूटर के ऊपर एक रीडिंग आ जाती है या एक थ्री डायमेंशनल इमेज बन जाती है, 3D व्यू आ जाता है पूरे बॉडी का, जिससे पता चल जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम था या कहाँ पर एबनॉर्मेलिटी थी, डिसऑर्डर था, फिर उस लिहाज से ट्रीटमेंट्स की जाती हैं. फाइन बेटा, नाउ कम टूवर्ड्स दी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको हम लोग MRI कहते हैं, इसकी एब्रिवेशन है MRI. MRI scan is a radiology technique that uses magnetism, radio waves and a computer to produce image of our body structures. बेटा इस MRI में क्या होता है कि ये एक रेडियोलॉजी टेक्निक है, इसमें मैग्नेटिज्म भी यूज होता है, मतलब मैग्नेटिक वेव्स भी यूज होती हैं, रेडियो वेव्स भी यूज होती हैं, और एक कंप्यूटर यूज होता है जो इसकी एक इमेज दिखाता है, हमें बॉडी की स्ट्रक्चर्स की एक इमेज दिखाता है. द MRI स्कैनर इज अ ट्यूब सराउंडेड बाय अ जायंट सर्कुलर मैग्नेट. बेटा जो MRI स्कैनर है ये एक ट्यूब होती है जिसके सराउंड जो होते हैं बड़े बड़े सर्कुलर मैग्नेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है. देखें इन दिस डायग्राम दीज आर दी मैग्नेट्स, ठीक है, ये मैग्नेट है, ठीक है, और ये इसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक वेव्स भी यूज हो रही हैं, मैग्नेटिज्म भी, रेडियो वेव्स भी यूज हो रही हैं, और कंप्यूटर पे फिर पूरी एक इमेज बन जाती है इन बॉडी स्ट्रक्चर्स की. द पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन द मूवेबल बेड दैट इज इंसर्टेड इनटू द मैग्नेट. बेटा पेशेंट को बेड के ऊपर लेटाया जाता है, यहाँ पर देखें जैसे लेटाया हुआ है पेशेंट को लेटाया जाता है और फिर इस मैग्नेट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है. ये पेशेंट का टेबल है, यहाँ पे पेशेंट का बेड होता है, लेटाया जाता है पेशेंट को और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो बेड है वो इस मैग्नेट के अंदर मूव कर जाता है, ठीक है. द पेशेंट इज एक्सपोज टू ए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड एंड बीम ऑफ रेडियो वेव्स. और फिर ये जो पेशेंट इस मशीन के अंदर है या इस स्कैनर के अंदर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा जाता है और रेडियो वेव्स के अंदर. द रिसीवर इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस बाय अ कंप्यूटर. और फिर बेटा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर रिकॉर्ड कर लेता है एंड एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड. और एक इमेज बन जाती है इसकी बॉडी के इंटरनल सारे जो भी ऑर्गन्स या जो भी इन्वायरमेंट है उसकी. द इमेज एंड रेजोल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय MRI इज क्वाइट डिटेल्ड एंड कैन डिटेक्ट टाइनी चेंजेस ऑफ स्ट्रक्चर्स विद इन द बॉडी. बेटा ये जो MRI रेजोल्यूशन जो प्रोड्यूस्ड होती है, ये जो इमेज यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होती है, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड होती है, ये सिटी स्कैन से भी ज्यादा डिटेल्ड होती है. और इसमें बिल्कुल जो बॉडी की टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं या थोड़ी सी किसी ऑर्गन में कोई टाइनी थोड़ी सी स्मॉलेस्ट भी कोई चेंजिंग हुई है उसके फंक्शन में तो वो भी इसमें डिटेक्ट हो जाती है. मतलब मोर डिटेल्ड है, सिटी स्कैन से भी ज्यादा ये डिटेल्ड है, और थोड़ी सी माइन्यूट भी कोई चेंजिंग होगी तो भी ये MRI जो स्कैनर है ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है बेटा. नाउ डिड यू नो, में लिखा है इन सिटी स्कैन अ लार्ज डोनट शेप एक्सरे मशीन और स्कैनर इज कॉल्ड टोमोग्राफ टेक्स एक्सरे इमेज एट मेनी डिफरेंट एंगल्स अराउंड दी बॉडी. सिटी स्कैन में क्या होता है कि बेटा एक डोनट शेप मशीन होती है, एक स्कैनर होता है जिसको हम कहते हैं टोमोग्राफ.
ये एक एक्सरे इमेज ले लेता है बॉडी की, डिफरेंट रीजन से ये एक्सरे इमेज ले लेता है बॉडी की, ठीक है, मतलब डिफरेंट एंगल्स से लेता है ना. दीज इमेजेस आर प्रोसीडेड बाय आ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस क्रॉस सेक्शनल पिक्चर्स ऑफ द बॉडी, और फिर ये कंप्यूटर में ही क्रॉस सेक्शनल पिक्चर्स बन जाती हैं बॉडी की. इन ईच ऑफ दीज पिक्चर द बॉडी इज सीन एज एन एक्सरे स्लाइस ऑफ द बॉडी विच इज रिकॉर्डेड ऑन अ फिल्म. और बेटा ये जो एक एक्सरे की तरह एक सामने आती है पिक्चर निकल के ना, बॉडी की पिक्चर जो होती है वो एक एक्सरे स्लाइस की तरह होती है जिसको फिल्म में फिर रिकॉर्डेड कर दिया जाता है, जो एक फिल्म में रिकॉर्डेड होती है. दिस रिकॉर्डेड इमेज इज कॉल्ड अ टोमोग्राम. और बेटा इस ये जो इमेज इसमें सिटी स्कैन में जो प्रोड्यूस्ड होती है या रिकॉर्डेड होती है इसको टोमोग्राम कहा जाता है. टोमोग्राफ क्या था, एक वो मशीन है, स्कैनर है जो सिटी स्कैन के लिए यूज हो रहा है, और टोमोग्राम क्या है, वो इमेज है जो फाइनली रिकॉर्डेड हुई और सामने आई, जिसमें सारी बॉडी की स्ट्रक्चर्स के बारे में था कि भाई कहाँ पर डिसऑर्डर है. बेटा ये देखें, ये इस तरह से इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी की जाती है. इस जैसे पेशेंट को लेटा दिया गया और देखें इसकी स्कैल्प के डिफरेंट रीजन्स पे ये इलेक्ट्रोड्स फिक्स किए गए हैं, अटैच्ड किए गए हैं, और ये स्पेसिफिक रीजन पर ही ये अटैच्ड किए जाते हैं ना. उसके बाद देखें बेटा ये कंप्यूटर पे सारे इसके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो उसकी इमेजेस बन जाएंगी, और वो फिर मतलब एक पूरा ब्रेन वेव्स जो है वो रिकॉर्डेड हो जाएंगी. फिर इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा नर्वस डिसऑर्डर था या क्या मसला था. ये जो बेटा है ये सिटी स्कैन वगैरह इस तरह से किया जाता है, एक बेड के ऊपर लेटा दिया जाता है और फिर इसको इस मशीन के अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाता है. फिर डिफरेंट जो है वो एक्सरेज वेव्स जो है वो इसके ऊपर बम्बार्ड होती हैं, जिसके या स्ट्रांग वो एक्सरेज वेव्स होती हैं जो एक इमेज प्रोड्यूस कर देती हैं इसकी बॉडी की, और फिर उसको या जिसको हम क्या कहते हैं टोमोग्राम भी कहते हैं, और फिर उसको देख के पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम था. और एमआरआई में क्या होता है कि बेटा ये सिटी स्कैन से भी ज्यादा डिटेल्ड है, और इसमें मैग्नेटिज्म यूज हो रहा होता है, मैग्नेटिक वेव्स यूज हो रही होती हैं इसमें, और रेडियो वेव्स इसमें यूज होती हैं. जैसे सिटी स्कैन में एक्स रेज यूज हो रही थी तो इसमें रेडियो वेव्स यूज होती हैं एमआरआई में, और इसमें मैग्नेटिक वेव्स यूज होती हैं. इसमें भी पेशेंट को बेड के ऊपर लेटाया जाता है और उसको फिर जो एमआरआई स्कैनर है उसके अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है, और जब एमआरआई स्कैनर के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है तो फिर हाई एक स्ट्रांग बीम के थ्रू उसको गुजारा जाता है जिसमें मैग्नेटिक और रेडियो वेव्स होती हैं. फिर उसकी बॉडी में अगर कोई टाइनी स्ट्रक्चर भी कोई वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या फंक्शनिंग नहीं सही तरीके से कर रही तो वो भी रिकॉर्डेड हो जाती है. मतलब ये सिटी स्कैन से भी ज्यादा डिटेल्ड है और ज्यादा एक्यूरेट है एमआरआई जो है, ठीक है. ये देखें बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, ये इसको यहाँ पर इस बेड के ऊपर लेटाया जाता है और फिर इसको क्या किया जाता है, इसके अंदर ये इंसर्ट कर दिया जाता है. इंसर्ट किया जाता है तो फिर यहाँ पर ये एमआरआई के लिए, ठीक है. फिर यहाँ पर क्या है, उसको मैग्नेटिक वेव्स के मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक वेव्स और रेडियो वेव्स में से गुजारा जाता है, और उसकी बॉडी के का एक जो पूरा एक मतलब एक इमेज बन जाती है उसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की, ठीक है. और टाइनी चेंजेस भी जो होती हैं वो भी डिटेक्ट हो जाती हैं, और फिर पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, उस लिहाज से फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है. फाइन बेटा, सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप यू हैव गॉट टूडेज लेक्चर, बट इफ यू आर फीलिंग एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.